तो हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अंडरटेकर का एक और मैच हमें WWE में देखने को मिल सकता है, और वो भी NXT के सुपरस्टार से, और कैसे रोमन रेंज की पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई स्मैकडाउन में, और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी है इस वीक, और एक बड़ा मैच जो कि रॉ में हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। तो सारी कुछ बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है अंडरटेकर से। फ्रेंड्स, NXT के सुपरस्टार डोमिनिक डिजावुक ने अंडरटेकर को चैलेंज कर दिया, और ये ट्विटर पर फोटो रिवील किया, जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं कि उन्हें 1-on-1 एक मैच चाहिए अंडरटेकर के साथ, वो भी इन फ्यूचर में। फ्रेंड्स, आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये मैच हमें WWE में अगर फ्यूचर में देखने को मिलेगा तो कितना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि डोमिनिक WWE के नेक्स्ट में बहुत ही सुपरस्टार में से एक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइए कि अगर फ्यूचर में ये मैच अगर होगा अंडरटेकर वर्सेस डोमिनिक के बीच में, तो ये कौन से PPV में हमें देखने को मिलेगा, रेसलमेनिया में या और कोई PPV में, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर से ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है रोमन रेंज से। फ्रेंड्स, जैसा कि कल वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें उसोस का रिटर्न देखने को मिला था, जिसमें रोमन रेंज को बचाने आए थे द उसोस, और उसके बाद से एकदम कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हमें तगड़ी देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्मैकडाउन को व्यूअरशिप घट चुकी है। फ्रेंड्स, तो लास्ट वीक जो स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली थी वो थी 2.43 मिलियन व्यूज़, और इस वीक जो स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है वो घट चुकी है और वो आई है 2.418 मिलियन व्यूज़। तो फ्रेंड्स, स्मैकडाउन को तो रेटिंग में लॉस हुई है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि स्मैकडाउन में क्या नहीं होना चाहिए था जिसके कारण व्यूअरशिप नहीं आई स्मैकडाउन की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की बात करें तो वो जरिए रॉ से। तो जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं, WWE ने ऑफिशियली फिक्स किया है ये मैच को नेक्स्ट रॉ के लिए, द वाइकिंग रेडर्स वर्सेज द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेज द ओरिजिनल क्लब के बीच में फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इस मैच कौन जीतेगा। फ्रेंड्स, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बाय फ्रेंड्स।